अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं चैनल पे। तो आज हम आपको दिखाएंगे मीनार पाकिस्तान, आज मीनार पाकिस्तान की सैर करवाएंगे आपको। तो ये इसकी एंट्रेंस है, ये मीनार पाकिस्तान की एंट्रेंस है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये इस यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर किस तरफ आपने जाना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। मगरबी पार्क है, ठीक है, कश्ती रानी झील है, ठीक है, इसमें सब कुछ ही है। वॉशिंग कौमी तारीख म्यूज़ियम है, ठीक है, इसमें सारा। ये गाड़ी है जिस पर हम सैल करेंगे, ठीक है, वैसे भी आपको पार्क दिखाएंगे, और ये गाड़ी है जिस पर हम बैठ के आज आपको सैल करेंगे। ये गाड़ी है, ये अभी मैं आगे बैठ गया हूँ, ठीक है। तो ये गाड़ी हमारी चल पड़ी है, तो ये हम जा रहे हैं जी, आपको पार्क की सैर दिखाएंगे और ये इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये पार्क है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीनार पाकिस्तान की जो पार्क है, इसको पहले मिंटो पार्क कहते थे, जो बरतानिया संतत बरतानिया का हिस्सा थी ये, ठीक है। मिंटो पार्क भी इसको कहते हैं, और ये ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है ये वाली, ठीक है। ये पार्क है सारी, ठीक है। अभी वो सारे व्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ, वो सामने मीनार पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, ये अच्छी बहुत खूबसूरत पार्क है, बाहर से भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए, काफ़ी लोग इसको आते हैं देखने के लिए ना। तो ये है कि अगर आप भी इसमें आना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं पूरी पार्क, आप देख सकते हैं जहाँ भी आए आप वहाँ पे आप ये पार्क देख सकते हैं। तो ये पार्क है, वो सामने मीनार पाकिस्तान, ये इसकी पार्क है। हम ये मीनार पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, ये हमारी जो गाड़ी है ये गोल चक्कर है, यहाँ से घूम के मीनार पाकिस्तान जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको मीनार पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री बताऊँगा, ठीक है। तो ये अब हम जा रहे हैं जी मीनार पाकिस्तान के वो सामने। तो मीनार पाकिस्तान लाहौर में है, ठीक है, मीनार पाकिस्तान लाहौर में है। पाकिस्तान की कौमी इमारत यादगार है, ये इसको यादगार भी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की कौमी इमारत यादगार है जिसे लाहौर में एन इसी जगह तमीर किया गया, ठीक है, जहां 23 मार्च 1940 में कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मनक्द आल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में तारीखी करारदार पाकिस्तान मंजूर हुई है, ठीक है। इसको यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। इस जगह को इस वक्त मिंटो पार्क कहते थे, ठीक है। 1940 में इस जगह को इस वक्त मिंटो पार्क कहते थे, जो कि संतरित बरतानिया का हिस्सा थी। आजकल इस पार्क को इकबाल पार्क के नाम से मंसूब किया जाता है। मीनार पाकिस्तान पंजाब के दारुल खलीफा लाहौर में वाक़ है, ये मीनार पाकिस्तान जो दारुल खलीफा लाहौर में वाक़ है, ये मीनार पाकिस्तान तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। ये इसका बाग सरसब्ज है, जिसमें रोज़ाना दूर दराज इलाकों से लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। इसके करीब हुसन बाज़ार, बादशाही मस्जिद और शाही किला जैसी तारीखी इमारतें भी हैं, ठीक है। तो ये इसकी झील है, इसके अंदर ये पानी की झील बनाई हुई है। तो ये लोग उसको देखने के लिए, इसके अंदर कश्ती है, वो भी कश्ती भी चलती हुई नज़र आपको आएगी। तो कश्ती भी देखें, इसके अंदर से कश्ती अभी आपको दिखाते हैं, कश्ती भी आएगी इसकी पार के, वो सामने मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। तो ये झील है, वो सामने कश्ती नज़र आ रही है आपको, कश्ती आती हुई जा रही है, ये कश्ती इसके अंदर वो घूम रही है। यहाँ से वो लोग सैल करने के लिए पानी के अंदर झूले झूले लेने के लिए लोग करते हैं। तो इसकी तमीर के सिलसिले में 1960 में इस वक्त के सदर फील्ड मार्शल अयूब खान ने एक कमेटी तशकील दी थी। इसी कमेटी की मंजूर शुदा सिफारशात और डिज़ाइन पर इस मीनार की तशकील हुई थी।
मुख्तार मसूद भी इस कमेटी के सरकर्दा रुकन थे। ठीक है, ये पार्क है जी काफ़ी खूबसूरत, जिसमें आपको साथ साथ मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ और साथ साथ ये पार्क आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका डिज़ाइन जो है तुर्की के माहिर तमीरात नुसरत अल्दीन मरात खान ने तैयार किया। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा व्यूज़ है इसका, और तमीर का काम मियां अब्दुल खालिक एंड कंपनी ने 23 मार्च 1960 में शुरू किया। ठीक है, देखें कितनी पार्क खूबसूरत है, और 21 अक्टूबर 1968 में इसकी तमीर मुकम्मल हुई। इसकी तमीर की कुल लागत 75 लाख रुपए हुई थी। ये जो मीनार पाकिस्तान की कुल लागत जो 75 लाख रुपए हुई थी उस टाइम में। ठीक है, अगर आप अब के लगाएं तो पता नहीं कितने बन जाते हैं। उसके बाद मरम्मत करते हैं हमारे जो जैसे गवर्नमेंट आती है, इसको मरम्मत शरम्मत करते रहते हैं ये लोग। तो ये मीनार पाकिस्तान की पार्क है जी, कितनी खूबसूरत ये उन्होंने बनाए हुए जंगले, ये वो सारी चीज़ें, मतलब ये देखें गाड़ी, ये जो गाड़ियाँ ये चलती हैं यहाँ से, ये गाड़ियाँ जो ये यहाँ से चलती हैं। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी बनाई हुई इन्होंने, ये पार्क है, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। ठीक है, ये 23 मार्च 1940 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मनक़द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में तारीखी करारदार पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ठीक है, ये देखें ये कितना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने, स्टार है ये, स्टार बनाया हुआ है। ठीक है, ये इस पार्क में स्टार बनाया हुआ है। तो आगे आगे आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, जब बाहर तक हम जब गाड़ी पे जाते हैं बाहर तक आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे। तो जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं, स्टार बनाया बड़ा खूबसूरत, अगर यहाँ से ड्रोन हो तो बड़ा ज़्यादा अच्छा व्यू बने इसका। ठीक है, यहाँ पे लामा इकबाल की ये जो बोर्ड बने ना वाइट कलर के, यहाँ पे लामा इकबाल, ठीक है, और फातिमा जिन्ना की तस्वीरें, ठीक है, कायद आज़म की तस्वीरें, ये ऐसे लगाए उन्होंने बोर्ड से जो लगाए ना इस पर, वो उन्होंने इसकी तस्वीरें बनाई हुई हैं इनकी। तो ये देखें पार्क कितनी खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने, तो ये पार्क देखने वाली पार्क है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आपके तावन की बहुत ज़रूरत है। ये देखें कितना प्यारा उन्होंने ये बनाया हुआ है, हार्ड बना के उसके अंदर से फूल लगाए, और कितना यहाँ पे अगर बेडिंग के लिए शूट किया जाए, ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छा व्यू बनेगा यहाँ से। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये व्यू बनाया हुआ है, तो काफ़ी प्यारा बना हुआ है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें बस। तो ये मीनार पाकिस्तान था जो हम देख रहे थे, तो ये इसकी पार्क के व्यूज़ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। ये लोग यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं अपने लिहाज से, ठीक है, कोई अपना कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कैसे अपने अपने हिसाब से सब बना रहे हैं। तो ये पार्क थी जो हमने यहाँ से देखी है। ठीक है, ये झूले यहाँ पे, ये पार्क के अंदर ही झूले बने हुए हैं, आप झूले के लिए भी यहाँ पे झूले भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये गाड़ी के ऊपर से ये झील बनी हुई है, साथ साथ ये झील भी नज़र आ रही है आपको। सारी जो जो चीज़ें यहाँ पे हम आप नज़र आती जाएगी वो आप हम दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे। बहुत यू के काफ़ी चीज़ें जो हैं, कुछ भी अभी ये पार्क जो बहुत बड़ी पार्क है, ये कुछ चीज़ें जिसमें जो इसमें रह गई है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं और कुछ जो है जो वीडियो में आई है तो वो मैंने दिखा दिया आपको ना। मीनार पाकिस्तान तारीखी लिहाज से, ठीक है, बहुत अहमियत रखता है ये हमारे, मतलब के ये कौमी निशान है हमारे, नोट के ऊपर भी इसका निशान बना, मीनार पाकिस्तान का और कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे यहाँ का मतलब के
इस मुल्क का एक निशान बनाया गवर्नमेंट ने। ये साथ साथ हमारी गाड़ी जा रही है, साथ में दूसरी गाड़ियां भी जा रही हैं। कुछ को ज़्यादा दे देते हैं अंदर आने के लिए, कुछ को नहीं देते ना। ये देखें बाइक्स भी आ रही हैं, ये वो सारा। अब हम जा रहे हैं बाइक की तरफ। इसके साथ ही शाही किला है, शाही मस्जिद, शाही किला, मतलब इसके साथ ही है। अब उस तरफ जाएंगे, उस तरफ ये गाड़ी जो हमें उतारेगी, ठीक है, वो शाही किला के बाहर हमें ये गाड़ी उतार देगी। ये गाड़ी ने यहाँ पे गाड़ी ने हमें उतार देना है, ठीक है। ये जो पहले भी गाड़ी खड़ी है वो सामने शाही किला, ये गाड़ी है जिस पे हम आए थे, ठीक है। ये पीछे खड़ी है, ये खड़ी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको सबसे पहले पहुँचे। तो